जय जय रघुवीर समर्थ मना राघवे वीण आशा नको रे मना मानवाची नको कीर्ति तू रे जया वर्णिता वेद शास्त्रे पुराणे तया वर्णिता सर्व शाक्यवाणे। यहाँ रामदास स्वामी अपने पहले पंक्ति में कह रहा है कि मना राघवे वीण आशा नको रे। यहाँ राघव मतलब वह श्री राम का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन राघवे मतलब राघव का राघव मतलब वो श्री राम जो हर कण कण में बसा है, जिसका अस्तित्व हर कहीं है, जो अपने भक्तों के दुखों को समझता है, अपने भक्तों के लिए दौड़ के आता है। ऐसे श्री राम से मैं आशा करता हूँ, ऐसे श्री राम के लिए मैं आशा धरता हूँ। और अपने दूसरे कड़वे में वो बोलते हैं कि मना मानवासी निको नको कीर्ति दूरे, मतलब पहले कड़वे में भी बोलते कि मेरे को खाली श्री राम मतलब राघवे वीण आशा नको, मतलब मेरे को खाली श्री राम से आशा है। और दूसरे कड़वे में भी बोलते हैं कि मैं दूसरे लोगों की कीर्ति के गीत गाता हूँ, दूसरे लोगों के प्रति आशा रखता हूँ, लेकिन उस आशा से मुझे फल भी मिलेगा, लेकिन वह कितना होगा, वह कितना होगा ये कोई जानता नहीं, वह क्षणभंगुर भी हो सकता है। और कभी कभी तो हम जिनके प्रति आशा रखते हैं, जिनके कीर्ति गाते हैं, वह हमारी निराशा करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे भगवान के प्रति, हमारे राम के प्रति हमारी निष्ठा रखें, हम उसके साथ आशा करें, उसके लिए आशा करें, जो राघव और जिस राम का वर्णन वेद पुराणों में भी किया गया है। वेद पुराण यह भारतीय संस्कृति के लिए बहुत वैल्यूबल है, इनमें भी श्री राम का वर्णन किया गया है। और यदि हम श्री राम से आशा रखते हैं तो निश्चित ही वो आपके सब इच्छाएं पूरी करेंगे। और इच्छाएं पूरी नहीं की तो भी आपको एक अच्छी आनंद का अनुभव होगा जब आप श्री राम के प्रति आशा रखेंगे। जय श्री राम।